हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हमारे पीछे भीड़ भड़ाक हो रखा है क्योंकि हम पहुंचे कोटद्वार में और हमें लहसुन मिल भैया को, और ये हमारे बड़े भाई हैं जो बोलो भाई को बिल्कुल बोलो, बिल्कुल चुप हो रहे यार। बोलो यार, हम क्या बोले, अभी धूप आ रही है। हमारे सब्सक्राइबर भी हैं तो इन्हें हमारी वीडियोस काफी पसंद आती है। आती है ना भाई, अच्छी बनाता है यार, तो इसलिए भैया हमें पार्टी दे रहे हैं। भाई की शादी भी होने वाली है, भाई की शादी भी होने वाली है, तो फिर डबल पार्टी। तो अभी हमारे साथ हैं टोटल लोग, अजीत भाई हैं, अभिषेक भाई है और सुमित भाई है। और बाइक थोड़ी गंदी हो रही है क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा कीचड़ था, दो दिन से बारिश पड़ रही है इसलिए रास्ते में कीचड़ था और हम थोड़े वहाँ पानी में घुस गए थे, तो वहाँ पूरी बाइक गंदी हो गई। बाकी हम चमका के रखी देखा, हम पहुंचे हैं यहाँ पे पतंजलि के स्टोर में और यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत सामान लेंगे और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। वो दीदी है यहाँ पे, अभी आएगी सामान लेके। और इन दोनों को आप देख सकते हैं, पता नहीं कहाँ ही जा रहे हैं। तो हमारा काम हो गया, पतंजलि स्टोर में भी सामान ले लिया हमने और अभी हम आए हैं यहाँ पे, कहाँ पे, ये टेपिंग वाली दुकान पे। तो हम यहाँ पे कुछ लिखवाने वाले हैं आज, हम अपना जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम यहाँ पे लिखवाने वाले हैं, महादेव के बगल में, महादेव की शरण में लिखवाने होने। तो गाइस अभी यहाँ पे हमारा काम चल रहा है, वो देख सकते हैं। अभी हमारा स्टिकर बन रहा है और हमें काफी अच्छा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज फाइनली बाइक एवी ब्लॉग्स हो जाएगी। तो गाइस हमारा ये है एवी ब्लॉग्स का जो लग चुका है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो जाओ और सब्सक्राइब करो इस चैनल को जल्दी से। ये है हमारा कोटद्वार झंडा चौक मार्केट और अभी मेरा सारा काम हो चुका है और अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ। काफी टाइम हो चुका है, कितना, दो ढाई बज रहे हैं, अभी ढाई बजने वाले हैं शायद, और हम निकल रहे हैं यहाँ से। अभी अजीत भाई और अभिषेक भाई निकल चुके हैं और मैं यही था, तो मैं अब जा रहा हूँ गाड़ी में, दुपट्टा तक जाऊंगा तब तीनों साथ में जाएंगे। बहुत यहाँ पे यार गर्मी गर्मी सी लग रही है, हमारे इधर तो बहुत ज्यादा ठंडा है यार, यहाँ पे बहुत गर्मी है। अभी हम है दुगड्डा पहुंचने वाले हैं और अंकल हैं हमारे प्रो राइडर, अभी अभी उनका चालान कटा है तो वो बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं। OMG खतरनाक, मेरे को तो डर लग रहा है यार, मैं पता था व्हील उठा दे आगे से बैंक। अंकल नाम है, तो अभी व्लॉग में करियर भी बनाना है नहीं, अभी हमारे साथ है समझ कर। अभी हम यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे देखो क्या मस्त नीला तालाब है ये, और अभी यहाँ पे आपको पता होगा कि जो लोग यहाँ से कोटद्वार से हैं, इस जगह पे कुछ दिन पहले रोड टूटी थी बिल्कुल नीचे से ऊपर, ये पूरा पहाड़ खिसक गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कीचड़ है, और जैसे कि हम लोग आते हैं बार बार बाइक या स्कूटी से तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे बहुत खतरनाक सीन हो रखा है, OMG यहाँ पे पता नहीं क्या बन रहा है, नीचे तालाब सा हो रखा है, तालाब तो नहीं बना रहे यहाँ पे, मेरे को बताओ यार। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, पूरा का पूरा पहाड़ खिसक गया वहाँ। तो गाइस यहाँ से पहाड़ दिखने लगे हैं और सुबह इस एरिया में बारिश पड़ रही थी जिस टाइम हम आए थे, अब धूप है, अब काफी अच्छा मौसम हो रखा है क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा बारिश थी। जैसे हमारे साइड तो दो दिन से बारिश पड़ रही है गाइस, तो रुकी नहीं रही बारिश। देखो कितनी अच्छी जगह है ये, शायद आम सोड़ है ये जगह का नाम, बहुत प्यारी जगह है। देखो क्या मस्त जगह है यार, यहाँ पे हरे हरे खेत हैं, मतलब कोटद्वार में शायद ही ऐसी कहीं पे जगह होगी। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है, प्यारी सुंदर। तो फाइनली हम दुपट्टा में पहुंचे और अभी मूंगफली ले रहे हैं, फेमस मूंगफली है यहाँ की, आइए और लीजिए फ्री प्रमोशन। यहाँ पे कार हो टिक 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 करे जा रही है, कब से पता नहीं किसकी है क्या है,
सायरन बजे जा रहा है। अभी हम निकले हैं दुगड्डा से और रोड के पूरे हाल है, देख सकते हैं पूरा कीचड़ कीचड़ स्लश हो रखा है पूरा, और हम फुल पैक हो रखे हैं। गुरुद्वार में गर्मी लग रही थी गाइस, गर्मी, और यहाँ पे देखो क्या ठंडा हो रखा है, ये पूरा मौसम चेंज हो गया भाई, पूरा मतलब जैसे कहते हैं ना, जहाँ जाडा जाडा सा है वहाँ गर्मी गर्मी सी है। डॉगी हट जाओ, डॉगी हट जा, देखो गाइस ये लंगूर यहाँ पे बहुत ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने पूरा अपना राज कर रखे हैं। हमारे पीछे जो आप ये देख रहे हो ये समाधि स्थल है क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जी का, और ये दुगड्डा में पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे देखा तो अभी हम रुके यहाँ पे थोड़ा सा ताकि आपको भी दिखाएं। ये जो आप पेड़ देख रहे हो इसमें, आप ये होल देख रहे हो इसमें अपनी फूटिंग की प्रैक्टिस करा करते थे, इसमें इनका समाधि स्थल बनाया हुआ है, ये इनकी एक मूर्ति भी स्थापित करी गई है क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जी की। तो एक छोटा सा स्थल है, हमने तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी गांव से आया हम, अभी हमने तब भी मास्क लगा रखे कोटद्वार में, तो किसी ने मास्क लगा रखे, वही सारा ओमनिक्रॉन फैला रहे हैं, इनको मारूंगा मैं बहुत बुरा। अच्छा हमको सिखा रही है यार, मूर्ति स्थापित की गई है यहाँ पे, पर इसकी मेंटेनेंस, इस जगह की मेंटेनेंस नहीं है बस, और तो बाकी ठीक ही है। यहाँ पे देखो कितने सारे लंगूर घूम रहे हैं, यहाँ पे ऊपर चढ़ गए पेड़ पे, बहुत ऊपर चढ़ गए, देखो बहुत ऊपर चढ़ गए पेड़ों पे। और एक ये वाला पेड़ भी है जिन पे वो अपनी प्रैक्टिस किया करते थे, इन पे इस पे पहले वो अपनी जो भी निशानेबाजी की प्रैक्टिस किया करते थे, और इस पे अब दीमक लग चुकी है, और इस पे पहले छेद भी थे कहीं कहीं पे, अब तो दीमक वाले छेद होते थे यहाँ, तो यहाँ पे उनके बारे में संक्षिप्त विवरण दे रखा है, वो चंद्रशेखर आजाद सिंह जी उनके साथ थे, तो उनके बारे में पूरा सब कुछ दे रखा है, और ये सारी फोटोज सबकी। तो गाइस हमारे इधर का एक रिजॉर्ट है जो दुगड्डा के आगे बढ़ता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है, और नीचे काफी गाड़ियां खड़ी हो रखी हैं। तो गाइस जैसे आप लोगों को पता ही है कि फिर से कोविड कितना बढ़ रहा है, ओमनिक्रॉन बढ़ रहा है बहुत इंडिया में, तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, काफी लोग यहाँ प्री बुकिंग भी हो गई होगी कि भाई कोविड के टाइम पे यहीं रुक जाना है, बस अपना घर यहीं बसाना है। मैं कोविड के बारे में यही बोलना चाहूंगा आप लोगों से कि मास्क वेयर करें, और टाइम टाइम पे सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करें, और जितना जितना हो सके घर से कम ही बाहर निकलें, इससे आप भी सुरक्षित रहोगे और आपकी फैमिली भी। यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है हमारे यहाँ का, अभी हम पहुंचे सीन दिखा लो, रे देखो कुत्तों का प्यार कितना प्यार करते हैं ये, बस बस बस। और अभी आप रोड देख ही सकते हैं पूरी गीली हो रखी है, अरे यार पता नहीं कहाँ से गाइस मिट्टी आ गई यहाँ पे, पूरी फिसलन फिसलन मचा रखी है उन्होंने रोड पर। सुबह हम एक जगह से निकले तो वहाँ पे हम पानी था, और हम वहाँ पे गए तो जिस साइड को हमारी पीठ थी उस साइड को हमारा सर हो गया, पूरी बाइक स्किट हो गई, पर तुम्हारे भाई बिल्कुल सही सलामत खड़े थे वहाँ पे, बस जूते गीले हो गए हमारे, पैर ऐसे टेके हमने नीचे, यहीं पे हो गाइस जगह, तो गाइस यहाँ यही है वो जगह, और रोको 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 इस बार हम उतरेंगे भाई, बस बस नहीं नहीं यही यही पे भाई, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था और यहाँ पे हम फिसल गए थे, अब तो पूरा पानी इधर उधर हो गया, ये देखो रोड का क्या हाल हो रखा है। तो हम अपनी सरकार को कहना चाहते हैं कि जरा रोड बनाए यार, एक करो मत करो रोड बना दो बढ़िया जी। हाँ तो बोलने का ये मतलब है कि जैसे बोलते हैं ना कि
एक आदमी की पहचान उसके जूतों से होती है, वैसे ही एक देश की पहचान उसके रोडों से होती है। नहीं, सरकार की पहचान एक एक और जैसे कि हमने बोला कि गड्ढे हमें परेशान कर रहे हैं और इस हाँ और ये जो जगह है यहाँ पे रामलीला हुई थी जो कि हमने आपको दिखाई थी, हमारे ब्लॉग में हम लाए थे, ये वही जगह है। और अभी डॉट यार मार्केट काफी खाली है तो अभी हम रुके हैं डॉट यार में और थोड़ा सामान वगैरह ले रहे हैं, विक्स की टॉफियां ले रहे हैं, विक्स की। और ये हमारी गाड़ी और वो टायर है स्कूटी के लिए जो हमने लिया है क्योंकि उसका टायर बिल्कुल खत्म हो चुका है। और आप जैसे कि देख सकते हैं ये पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया, बाइक में पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया, इतना गंदा रास्ते में बारिश ने बिल्कुल बुरा हाल कर दिया। और बताना कमेंट्स में कि एवी व्लॉग्स कैसा लगा है क्योंकि यही है और इसको हम कल साफ करेंगे बिल्कुल। अभी हम बस घर पहुंचने ही वाले हैं और पीछे मौसम देखिए, ये पीछे देखिए पूरे बादल लगे हुए हैं और कोटद्वार में इतनी गर्मी हो रही है कसम से, इतनी ज्यादा गर्मी सही नहीं हो रही है। तो हमें यहाँ पे हमारे पिंकू भाई मिले हैं, ये आज रैली बजा रखे थे, आज भाई ने देखो दाढ़ी मूछे बना रखी है। तो बताना भाई कैसा लग रहा है, भाई गया था मैं धवन आज अपने पार्टी के प्रचार में, ये अध्यक्ष अध्यक्ष है भाई, ये तो भाई वो है पार्टी के लोग कार्यकर्ता। तो गाइज हम फाइनली पहुंचे थे घर पे और थोड़ी फोन की बैटरी लो गई थी इसलिए हम व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए। और अभी हमारे साथ आज हमारे घर पे आए हैं अजीत भाई, अजीत भाई भी आज यहीं रुके हैं, गेस्ट ना यार घर ना या। और अजीत भाई भी आज यहीं पे हैं और हम तीनों हैं वहाँ खाना पका रहे हैं उधर। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और ऐसी सपोर्ट बनाते रहें अपना, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।